कंटेनर एंड कॉन्सेंट्रेशन बिकम कॉन्स्टेंट ड्यूरिंग द इक्विलिब्रियम एंड वैल्यू ऑफ द इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट विल टेल यू द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन. रोल नंबर 46, 46 पे तो लिख लो. सो वी वर एट नाउ केमिकल इक्विलिब्रियम. इन केमिकल इक्विलिब्रियम इन एनी रिएक्शन हमने क्या देखा, हमने एक ग्राफ स्टडी किया. ग्राफ में हमने क्या समझा कि ठीक है, अगर टाइम इंक्रीज करोगे तो देयर विल बी डिक्रीज इन द मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. रिएक्टेंट की मोलर कॉन्सेंट्रेशन ये है, दिस इज द मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट. ठीक है, 23. ओके, तो ये मोलर कॉन्सेंट्रेशन यहाँ है तो डिक्रीज होती है. एक पॉइंट आएगा जब क्या होगी कॉन्स्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम. टाइम ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, कॉन्सेंट्रेशन सिर्फ इतनी ही रहने. ठीक है, और हमने क्या देखा, विद रिस्पेक्ट टू टाइम मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या होती है, इंक्रीज, बट वो भी एक पॉइंट पे कॉन्स्टेंट हो जाती है. जहां पे कॉन्स्टेंट होनी शुरू हो जाए इस पॉइंट को क्या बोला जाता है, इक्विलिब्रियम पॉइंट. अब जितना मर्जी आप टाइम इंक्रीज करते रहो, जितने रिएक्टेंट उतने ही रहेंगे, जितने प्रोडक्ट है उतने ही रहेंगे. दैट इज पॉइंट नोन एज इक्विलिब्रियम. ठीक है, इन इस केमिकल इक्विलिब्रियम को बेटे हम टू में डिवाइड करते हैं. एक होता है होमोजीनियस, एक होता है हेटेरोजीनियस इक्विलिब्रियम. ठीक है, होमोजीनियस तब बोलेंगे जब आपके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सेम फेस में होंगे. लाइक इफ दे आर गैसेस तो सारे गैस होंगे, इफ दे आर सॉलिड तो सारे सॉलिड होंगे. सॉलिड अकेले सॉलिड में कभी वैसे इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट नहीं करता बेटे. अगर सारे सॉलिड होंगे तो ज्यादातर प्रेसिपिटेट आउट हो जाते हैं. ठीक है, जैसे होमोजीनियस की बात करें, हाइड्रोजन और ये तो हेटेरोजीनियस हो गया. लाइक नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और अमोनियम, ये सारी गैसेज है, सारी गैसेज है. इनमें जो इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है वो होमोजीनियस हो गया. मीन्स आपके रिएक्टेंट भी गैसेज हो गए, प्रोडक्ट भी गैसेज हो गए. ठीक है, सब सारे एक ही फेस में हो तब हम क्या बोलेंगे, कौन सा इक्विलिब्रियम है, दैट इज होमोजीनियस. 16. नहीं, हेटेरोजीनियस भी था. मीन्स आप ये समझो बेटे, जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एक ही फेस में, ठीक है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एक ही फेस में हो तब उसको हम कहते हैं इक्वी होमो. होमो मीन सेम फेस. होमो का मतलब यूनिफॉर्म होता है. यू आर स्टडी फ्रॉम द 9th स्टैंडर्ड. यूनिफॉर्म मीन सेम, सेम फेस हो. अगर अगर रिएक्टेंट अगर सॉलिड है तो प्रोडक्ट भी सॉलिड है. अगर रिएक्टेंट गैसेज है तो प्रोडक्ट भी गैसेज है. मतलब सब कुछ एक ही फेस में हो. ठीक है, दैट इज नोन एज होमोजीनियस. ओके, नाउ हेटेरोजीनियस की बात करो. हेटेरोजीनियस में हम ये नहीं बोलेंगे कि सारे एक ही फेस में हो. इट कैन बी इन द डिफरेंट फेसेस. लाइक व्हेन आई हीट कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड. नाउ दीज टू आर सॉलिड एंड दिस इज अ गैस. अब हम ये कह सकते हैं कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की एक फेस नहीं है, कुछ सॉलिड है कुछ गैस है. तब हम कहते हैं कि कौन सा इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है, हेटेरोजीनियस. अब ये देखो, मैंने अगर जैसे हमने पहले बोला कि हमेशा इक्विलिब्रियम जब भी आपके गैसेस रिएक्टेंट या प्रोडक्ट भी हो तब आपने इक्विलिब्रियम हमेशा एस्टेब्लिश होगा क्लोज वेसल में. जैसे कि इसकी बात करें, अगर मैं कैल्शियम कार्बोनेट को ओपन में हीट कर लूं तो ये तो कार्बन डाइऑक्साइड उड़ जाएगी, तो ये बैकवर्ड डायरेक्शन नहीं होगी, इक्विलिब्रियम आपका एस्टेब्लिश नहीं हो पाएगा. तभी एस्टेब्लिश हो पाएगा जब आप क्लोज वेसल में करोगे. अगर हमने पता करना होगी इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गया तो हम कैसे पता करेंगे, हम साथ में मैनोमीटर लगाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी, पहले तो मरकरी की कॉलम राइज होगी, फिर एक पॉइंट है जहाँ पे वो स्टेबल हो जाएगी. जहाँ पे वो स्टेबल हो जाएगी उस पॉइंट को आप क्या बोलोगे, इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर गया.
इसके बाद मरकरी की कॉलम पे कुछ इफेक्ट नहीं पड़ रहा, अब रिएक्शन और डीकम्पोजिशन हो ही नहीं रही है। इसलिए डीकम्पोजिशन यू हैव स्टडीड इन 10th स्टैंडर्ड थर्मल डीकम्पोजिशन, थर्मल डीकम्पोजिशन रुक जाएगी एक ऐसे पॉइंट पे जहां पे इक्विलिब्रियम अटेन होता है। ठीक है बेटे, तो इक्विलिब्रियम की जैसे हमने फिजिकल की बात करी, वैसे केमिकल भी वही बोलेंगे कि केमिकल इक्विलिब्रियम में सबसे पहले सारी प्रॉपर्टीज जो हम देख सकते हैं ऑब्जर्वेबल, कितने कॉमर्स में ज्यादा होते हैं, तो कॉमर्स ट्यूशन पे कम रखते हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर हम करैक्टरिस्टिक्स की बात करें इक्विलिब्रियम की, केमिकल इक्विलिब्रियम की करैक्टरिस्टिक्स की बात, आप हेडिंग दो और खुद पढ़ो घर जाके। तो यहाँ पे हम कर रहे हैं अब केमिकल इक्विलिब्रियम की करैक्टरिस्टिक्स की बात। ठीक है, अब करैक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं जो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, जो हम देख सकते हैं। जैसे कि अगर मैं हाइड्रोजन प्लस आयोडीन को मिक्स करूं तो आई विल गेट एच आई। तो आयोडीन का क्या कलर होता है? पर्पल। जब ये एच आई बन जाएगा तो ये बन जाएगा लाइट पर्पल। ठीक है, क्योंकि इक्विलिब्रियम पे तो आयोडीन भी एग्जिस्ट करेगा और एच आई भी एग्जिस्ट करेगा। तो अगर मान लो कि एक डार्क पर्पल था पहले, अब एच आई बननी शुरू हो गई तो वो लाइट पर्पल हो जाएगा क्योंकि आयोडीन की क्वांटिटी कम होगी इक्विलिब्रियम में, तो ये होगा। अब मुझे पता कैसे चला कि इक्विलिब्रियम हो गया? मैंने क्या ऑब्जर्व किया कि जब लाइट पर्पल हुआ तो विद द लैप्स ऑफ टाइम लाइट पर्पल ही रह गया, उससे कोई वाइट नहीं अभी तक हुआ। समझ आई? मीन्स आयोडीन पूरी तरह कंज्यूम नहीं हुई, मैंने वो ऑब्जर्व किया। दैट आर नोन एज ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टी कॉन्स्टेंट रहती। समझ आ रही है बेटे? जैसे इस रिएक्शन में क्या ऑब्जर्व करोगे आप कि हमने आयोडीन ली थी एक्चुअल में, उसमें हमने हाइड्रोजन ऐड करी, तो इनिशियली तो मुझे पर्पल पर्पल कलर का आयोडीन नजर आ रही थी। ठीक है, फिर एक ऐसा पॉइंट आया जब ये लाइट पर्पल हो गया पूरा मिक्सचर। लाइट पर्पल क्यों हो गया? क्योंकि अब एच आई बननी शुरू होगी और आयोडीन यूज होनी शुरू होगी। अब जैसा वो पर्पल कलर अटेन हुआ, पहले तो डार्क था, जैसे वो अटेन हुआ विद द लैप्स ऑफ टाइम वही कलर रह गया, उसमें ना बड़ा हुआ ना कम हुआ, तो उस पॉइंट को क्या बोलेंगे? इक्विलिब्रियम पॉइंट। ठीक है, तो फर्स्ट करैक्टरिस्टिक्स ये बोल सकते हैं कि जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, जैसे हम कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट करोगे तो क्या ऑब्जर्व करोगे, क्या ऑब्जर्व करोगे? आपको कैसे पता चलेगा कि इक्विलिब्रियम आ गया? आपकी मरकरी की कॉलम बताएगी आपको। मरकरी की कॉलम में मरकरी एक स्टेबल पोजीशन पे आ जाएगा, प्रेशर अब मरकरी की कॉलम में जब जाएगी तो कार्बन डाइऑक्साइड इनिशियली मरकरी को ऊपर करेगी, फिर एक ऐसा पॉइंट आएगा एक स्टेबल पोजीशन पे मरकरी स्टैंड अप हो जाएगा, वो पॉइंट को आप क्या कहना शुरू कर दोगे? इक्विलिब्रियम। ये क्या एक ऑब्जर्वेबल क्वांटिटी, हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, हम रिएक्शन मिक्सचर को देख रहे हैं, हमें पता चल रहा है कि हाँ जी इक्विलिब्रियम अटेन हो गया। व्हाट इट? फिर अगेन जैसे हमने फिजिकल इक्विलिब्रियम में बात करी कि ये हमेशा किस में अटेन करोगे अगर गैशियस है? क्लोज्ड वेसल में। ठीक है, इट इज ऑब्टेन ओनली व्हेन द वेसल इज क्लोज। जैसे मैंने बात करी अगर इसको ओपन वेसल में कर दिया तो ये बैक डायरेक्शन हो ही नहीं सकती, कार्बन डाइऑक्साइड तो इवेपोरेट कर जाएगी, तो कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कैसे रिएक्ट करेगी? रिएक्ट ही नहीं कर पाएगी। जब रिएक्ट ही नहीं कर पाएगी तो बैकवर्ड आप कैसे करोगे? नहीं कर पाओगे। समझ आ रही है? फिर हमने कहा कि इक्विलिब्रियम इज डायनेमिक इन नेचर। डायनेमिक का मतलब क्या है? रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड। फिजिकल के ही है, सेम ही होते हैं बेटे, एक आधे डिफरेंस होते हैं। जैसे कि हम अगर हेबर्स प्रोसेस करें तो हेबर्स प्रोसेस में क्या देखोगे आप? हेबर्स प्रोसेस में हम यही देखेंगे कि विद द लैप्स ऑफ टाइम पहले अमोनिया की कॉन्सेंट्रेशन क्या थी? जीरो थी, जीरो नहीं थी, जीरो थी ना, फिर ये इंक्रीज करनी शुरू करेगी, फिर धीरे धीरे क्या हो जाएगी?
कांस्टेंट हो जाएगी, यही होगा ना। अगर मैं हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन, हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल ज्यादा है एज कम्पेयर टू नाइट्रोजन, हाइड्रोजन कितने नंबर ऑफ मोल्स थे, 3 है ना, तो हाइड्रोजन का अगर देखें ग्राफ तो यहाँ आएगा, पहले डिक्रीज होगी फिर क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। इन द सेम वे नाइट्रोजन की भी पहले डिक्रीज हो जाएगी फिर क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। तो ये कर्व किसकी कह सकते हो आप, हाइड्रोजन की है, ये नाइट्रोजन की है, ये किसकी है, अमोनिया की, ये क्या है, मोलर कॉन्सेंट्रेशन। बनानी नहीं है बेटे, एनएसटी स्टार्टिंग में है ही नहीं, रिएक्शन शुरू करी है, अमोनिया है। अगर हम बैकवर्ड, हम डायनेमिक स्टडी करना शुरू कर रहे हैं ना, Na(N2+H2) गिव अमोनिया ना, तो स्टार्टिंग में अमोनिया है, अमोनिया की कॉन्सेंट्रेशन क्या आएगी, ग्राफ क्या होते हैं, ग्राफ यही तो होते हैं। ग्राफ में आपने आरबीएफ में या किसी भी वेसल में कोई रिएक्शन हो रही है ना, तो आपकी जब स्टार्टिंग में रिएक्शन हो रही है तो आप बारी 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 क्वांटिटी निकाल के देख रहे हो। ग्राफ कैसे आते हैं, हमने इनिशियल क्वांटिटी निकाली, इनिशियल में हमें हाइड्रोजन बहुत ज्यादा नजर आया, नाइट्रोजन थोड़ा सा कम नजर आया, इसके नंबर ऑफ मोल ज्यादा है, इसके नंबर ऑफ मोल्स क्या है, कम है। अमोनिया की तो कॉन्सेंट्रेशन हमें जीरो नजर आई, टाइम बड़ा, वेसल में से मैंने निकाला तो मैंने देखा हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन पहले से कम होगी, नाइट्रोजन की भी कम होगी, अमोनिया की बढ़ेगी, ये ग्राफ ऐसे आते हैं, और कैसे आते हैं, ठीक है। तो अगर डायनेमिक ये पता करना चाहते हैं कि अगर हम इस रिएक्शन को बैकवर्ड डायरेक्शन में लेके जाएं तो ये देखा जाएगा कि तब भी कांस्टेंट ही रहेगी, डायनेमिक में जितना फॉरवर्ड हो रहा है उतना ही बैकवर्ड हो रहा है, ये ग्राफ जो है कांस्टेंट ही आएगा, समझ आ रही है। अगर ग्राफ को ऑपोजिट स्टडी करोगे तब भी यही आएगा, अगर आप अमोनिया ऊपर ले जाओगे और हाइड्रोजन नाइट्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन नीचे ले जाओगे तब भी वो कॉन्स्टेंट वैल्यू ही आएगी। पीछे पीछे क्या हो रहा है, पीछे की तरफ क्या हो रहा है, पीछे की तरफ नाइट्रोजन हाइड्रोजन बन रही है, यही है ना, और आगे की तरफ क्या बन रहा है, अमोनिया। अगर आप ऑपोजिट स्टडी करोगे तब क्या बोलोगे, रिएक्टेंट क्या है अब, अमोनिया, तो आप क्या देखोगे कि अमोनिया की कॉन्सेंट्रेशन कम होगी और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी। अब रिएक्शन को हम ऑपोजिट रिएक्शन में स्टडी कर लें, दैट इज व्हाई डायनेमिक, क्योंकि रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड, हमें कॉन्सेंट्रेशन इतनी ही आएगी। अब अगर इस रिएक्शन मिक्सचर में हम कैटलिस्ट ऐड कर दें, जैसे कि हेबर्स प्रोसेस में कैटलिस्ट होता ही है, तो कैटलिस्ट कभी भी इक्विलिब्रियम को चेंज नहीं करता, ठीक है। कैटलिस्ट देखो, हमने फिजिकल इक्विलिब्रियम में कैटलिस्ट की बात नहीं करी, देखिए फिजिकल इक्विलिब्रियम की केमिकल रिएक्शन हो नहीं रही है तो दे डोंट नीड एनी कैटलिस्ट, ठीक है। केमिकल इक्विलिब्रियम में कैटलिस्ट हो सकते हैं क्योंकि रिएक्शंस आर देयर, ठीक है। तो इसमें एक एक्स्ट्रा पॉइंट क्या ऐड हो जाएगा कि कैटलिस्ट डोंट अल्टर ऑल्टर द केमिकल इक्विलिब्रियम, क्यों नहीं होता, यू विल स्टडी इन द काइनेटिक्स इन क्लास +2, तो हम ये देखेंगे कि हमेशा मान लो ये रिएक्टेंट है, ठीक है, ये समझो इस बात को, ये रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट से बेटे प्रोडक्ट बन रही है, ठीक है। अब ये होती है एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए या थ्रेशोल्ड एनर्जी जो चाहिए, जैसे मैंने एग्जांपल देती हूँ, जैसे पेट्रोल है, पेट्रोल को नो डाउट हम स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कहते हैं, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन क्या होती है, जो अपने आप हो जाए या थोड़ी सी इनिशिएशन चाहिए उसको, हाँ, जैसे कि पेट्रोल को आग लगना एक तीली की जरूरत है, जैसे कि पानी ऊपर से नीचे आना वो आप सिर्फ पाइप ऐसे करोगे वो अपने आप नीचे आएगा, मगर पानी नीचे से ऊपर लेके जाना आपको मोटर चलानी पड़ेगी, दैट इज अ नॉन स्पॉन्टेनियस, कि जब तक आपका ड्राइविंग फोर्स लगा है जैसे मोटर ऑन है तब तक पानी ऊपर चढ़ रहा है, जैसे बंद करी रुक जाएगा, ऐसा कुछ हमें पानी नीचे गिरने के लिए नहीं चाहिए, ठीक है। हमने अगर टंकी लगाई है, पाइप लगा दिया, अपने आप नीचे फ्लो करता जाएगा, दैट इज अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, जो ऊपर है अपहील है वो नॉन स्पॉन्टेनियस है, रोल नंबर 24, ठीक। वैसे देखो पेट्रोल को आग लगना एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, उसको भी एक तीली लगाई उसके बाद तो नहीं हम कुछ कर रहे,
मगर कुछ भी कोई भी रिएक्शन हो इस यूनिवर्स में उसको थोड़ी सी एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत होती है, ठीक है। तो एक एनर्जी ग्राफ बैरियर हमेशा होता है, रिएक्टेंट से दीज आर द रिएक्टेंट, दिस इज द प्रोडक्ट। अगर ये बैरियर ना हो तो यहाँ पे तबाही हो जाए, कि बिल्कुल ही एक्टिवेशन एनर्जी नहीं चाहिए, बिल्कुल ही बैरियर नहीं है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने के लिए। अगर एक तिल्ली की भी जरूरत ना पड़े तो वैसे तो स्पॉन्टेनियस अपने आप हो जाती है, मगर इनिशिएशन की अगर जरूरत ना पड़े यहाँ पे तो आग ही लग जानी है फिर, ठीक है। तो देयर इज सर्टेन काइंड ऑफ अ बैरियर फ्रॉम रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट बनने के लिए। अब जैसे पेट्रोल को जब आग लगती है तो प्रोडक्ट क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर गिविंग यू एनर्जी, तो देयर इज एनर्जी बैरियर। अब आपने कैटलिस्ट ऐड किया, कई रिएक्शंस के लिए कैटलिस्ट चाहिए, चाहे नाइट्रोजन हाइड्रोजन कंबाइन कर रहे हो, एबर्स प्रोसेस कर रहे हो, तो यू नीड अ मॉलिब्डेनम ऑक्साइड आयरन ऑक्साइड कैटलिस्ट चाहिए आपको। कैटलिस्ट की जरूरत क्यों पड़ती है, कैटलिस्ट ये ग्राफ को बेटे नीचे की तरफ लेके चला जाता है, जो एनर्जी बैरियर है उसको छोटा कर देता है। समझ आ रही है, जितना एनर्जी बैरियर है हमें वो एनर्जी रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में बनने के लिए एक बैरियर क्रॉस करके जाना पड़ना था। अब आपने कैटलिस्ट ऐड किया तो वो बैरियर छोटा हो गया। अब बैरियर दोनों के लिए छोटा हुआ, अगर रिएक्टेंट के लिए छोटा हुआ है तो प्रोडक्ट के लिए भी छोटा हुआ है, क्योंकि अगर इतनी वैल्यू थी, अब इतनी वैल्यू अगर हम बैकवर्ड करें तो बैकवर्ड के लिए भी तो उतना ही कम हुई है, समझ रहे हो। अगर इतनी वैल्यू होगी, मान लो ये 50 थी, अब ये 40 होगी, तो ये फॉरवर्ड के लिए भी 40 और बैकवर्ड के लिए भी 40। इसका मतलब कैटलिस्ट ने इक्विलिब्रियम को ऑल्टर नहीं किया। अगर उसने रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इंक्रीज करी है तो उतनी ही रेट ऑफ बैकवर्ड भी इंक्रीज हुई है, समझ आ रही है। रेट दोनों पास इंक्रीज होगा जब एक रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे चली जाती है। व्हाट द पॉइंट, अब इक्विलिब्रियम हम ये कहते हैं कि दोनों डायरेक्शन से ऑब्टेंड हो सकता है, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल आपको दी जाती है ज्यादातर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड की, एनर्जी बैरियर को एनर्जी बैरियर होता है बेटे, दिस इज द थर्स्ट फॉर एनर्जी, यू प्रोवाइड एन एक्टिवेशन एनर्जी फॉर इट। हाँ मैंने कब कहा, मैंने कहा ऑल्टर करता ही नहीं, क्यों नहीं करता, क्योंकि रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड है। अगर वो फॉरवर्ड को ऑल्टर करता है तो उतना ही वो बैकवर्ड को करता है, तो इसका मतलब वो ऑल्टर करता ही नहीं, समझ आ रही है। टग ऑफ वॉर है, अगर आपको इधर से कोई खींच रहा है उतनी पावर से उधर से खींच रहा है, तो आप बीच में ही रह के ऑल्टर हुए हो, ठीक है। यू आर एट योर मेन पोजिशन ओनली। अगर प्रोडक्ट के लिए रिएक्टेंट के लिए एनर्जी बैरियर कम हुआ है तो प्रोडक्ट के लिए भी उतने ही एनर्जी बैरियर कम हुआ है, समझ आई। अच्छा अब हम कहते हैं कि केमिकल इक्विलिब्रियम ये नहीं है कि फॉरवर्ड डायरेक्शन से ही ऑब्टेंड हो सकता है, बैकवर्ड से भी ऑब्टेंड हो सकता है। यू हैव बेटे N2O4, ये 273 केल्विन पे स्टेबल है, मतलब मैंने इसको क्या रखा है, आइस में रखा है, ये आइस में रख दिया। एक मैंने वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क जिसमें N2O4 है, ठीक है, ओके। ये है बेटे कलरलेस, ठीक। एक फ्लास्क में रखा मैंने और इसको मैंने हीट कर दी हूँ, देयर इज ए हीटिंग, ठीक है। और इसमें अब जब मैंने हीट किया इसको तो इट विल कन्वर्ट इनटू नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसमें जब मैंने हीटिंग करी तो इट विल कन्वर्ट इनटू, डायग्राम की तरह ध्यान दो समझो बस, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है। व्हाट इट, तो इट इज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का क्या कलर होता है, रेडिश ब्राउन। अब अभी आप टेस्ट कर रहे हो ना, नाइट्राइड का टेस्ट किया ना लैब में, ये इसमें रेडिश ब्राउन कलर आया था, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का था। जब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालते हो तो देयर इज अ रेडिश ब्राउन कलर,
दैट इज ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रेडिश ब्राउन सा कलर देते हैं. जो हम पढ़ते भी थे, यू रिमेम्बर इन क्लास 10th, लेड नाइट्रेट को हीट करते हो तो लेड ऑक्साइड ब्राउन कलर की गैस आती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. समझ आ गई? करते ना ब्राउन कलर की गैस आएगी. रिएक्शन बड़े अच्छे से याद करते थे वो. तो यू गेट नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हियर एंड हियर हियर N2O5. ठीक है. अब मैंने क्या किया, यहाँ पे तो 100 डिग्री है, यहाँ पे 0 डिग्री है. अब मैंने बीच वाला टेम्परेचर ले लिया. ठीक है, अब बीच वाला समझ ले लिया. तो नॉर्मलाइज कर दिया और दोनों वेसल्स को यहाँ रख दिया. मैंने रूम टेम्परेचर पे ले गया, दोनों वेसल यहाँ पे हैं. अब हम देखेंगे ये वेसल थी कलरलेस, थी ना, ये वाली वेसल उठा के, ये कलरलेस थी. ये वेसल थी डार्क ब्राउन से कलर की, तो ये वाली ये वेसल थी. अब हम ये देखेंगे कि रूम टेम्परेचर पे ये जो कलरलेस थी ना, ये लाइट ब्राउन कलर की होगी, और तो जो डार्क ब्राउन है वो भी लाइट ब्राउन हो गया. मीन्स दोनों वेसल्स में ना कलरलेस वाली कलरलेस रही, ना डार्क ब्राउन वाली डार्क ब्राउन रही या रेडिश ब्राउन रही, दोनों लाइट ब्राउन होगी. क्यों? क्योंकि जितनी N2O4, ये N2O4 थी, इधर क्या बन गई, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. तो कलरलेस में अगर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिक्स होगी तो क्या कलर बनेगा, लाइट ब्राउन. दोनों चीज एग्जिस्ट कर रही है ना इक्विलिब्रियम पे. यहाँ पे अकेली क्या थी, N2O4, तो क्या मिक्सचर था, कलरलेस. ठीक है. अब यहाँ पे क्या थी, सिर्फ NO2, कलर क्या था, रेडिश ब्राउन. अब आपने रूम टेम्परेचर पे रख दिया. अब ये टूट के ये डाइमराइज है, ये मोनोमर है इसका. ठीक है, ये डाइमर है, देखो ध्यान से, डाइमर दिख रहा होगा. डाइमर का मतलब दो, NO2 के जब दो को कंबाइन करोगे तो N2O4 बनेगा, दैट इज अ डाइमर. ठीक है, NO2 कुछ इस तरह आता है. यहाँ पे एक ऑड इलेक्ट्रॉन होता है और ये होता है इसका, दिस इज NO2. ठीक है, और जब N2O4 बनती है तो इट विल बिकम लाइक दिस. ठीक है, तो ये डाइमराइज हो जाती है यहाँ पे. ये जो ऑड इलेक्ट्रॉन है ना, ये एक इसका आ जाता है, एक उसका आ जाता है, तो एक बॉन्ड बन जाता है बीच में. ठीक है, जब इसको आप 0 डिग्री पे रखते हो तब तो वो डाइमर बन के रहता है, जब आप हीट करते हो डाइमर टूट जाएगा, वो मोनोमर बन जाता है. समझ आ गई? जब ठंडा ठंडा रखा तो डाइमर बन गया, ज्वाइन हो गए, एनर्जी कम होगी. जब आपने हीटिंग करी तो ये क्या बन गया, मोनोमर. ठीक है, अब ये हीटिंग करके यहाँ पे मोनोमर है रेडिश ब्राउन कलर का, यहाँ पे डाइमर है किसका, कलरलेस का. अब आप रूम टेम्परेचर पे ले, अब जो डाइमर है वो किस में कन्वर्ट होना शुरू हो गया, मोनोमर में. अब आपकी इस वेसल में अकेली N2O4 तो बची नहीं, इसमें NO2 भी आ गई. अब N2O4 तो कलरलेस थी और NO2 क्या है, रेडिश ब्राउन. तो कलरलेस और रेडिश ब्राउन को मिक्स करोगे तो लाइट ब्राउन आएगा. समझ आ रही है? इन द सेम वे ये कौन सी थी, रेडिश ब्राउन. रेडिश ब्राउन में जब आप कलरलेस ऐड करोगे तो ये भी लाइट ब्राउन बनेगी. इसका मतलब हम इक्विलिब्रियम जो अटेन है वो बोथ द डायरेक्शन से ऑब्टेन कर सकते हैं. ये नहीं कि इक्विलिब्रियम सिर्फ N2O4 से, हम NO2 से ही, अगर हमारे पास NO2 है उससे भी इक्विलिब्रियम अटेन कर सकते हैं. गॉट द पॉइंट? सो वट आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, दैट ऑल द ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज आर कॉन्स्टेंट. इक्विलिब्रियम इज डायनेमिक इन नेचर. इक्विलिब्रियम कैन बी ऑब्टेन इन द केस ऑफ द गैसियस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन द क्लोज वेसल ओनली. इक्विलिब्रियम कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द ईदर साइड, प्रोडक्ट और द रिएक्टेंट साइड, एंड द कैटलिस्ट डजंट ऑल्टर द इक्विलिब्रियम. ओके, नाउ कम वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द चैप्टर. द चैप्टर नाउ बिगिंस विद द इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज लॉ ऑफ मास एक्शन.
चलो पहले डेफिनेशन लिख लो, देन आई विल एक्सप्लेन यू. एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर लॉ ऑफ मास एक्शन, रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, एट द कॉन्स्टेंट टेम्परेचर रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट टू द पावर ऑफ देयर स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, पावर ऑफ देयर मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट टू द पावर ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट. समझो, ऐसे समझ ही लिया करो, समझा करो, समझा करो. बुक में सब दिया हुआ डेफिनेशन, वो खोलो, समझो इस डेफिनेशन को. डेफिनेशन को समझ लो कि डेफिनेशन बन जाएगी. ठीक है, लॉ ऑफ मास एक्शन, मैंने क्या बोला, रेट ऑफ रिएक्शन एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, रेट ऑफ रिएक्शन एट द कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट. इनका क्या करना है, प्रोडक्ट. तो मोलर रिएक्टेंट कौन है, ए और बी. ठीक है, मोलर कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या है, जब हम मोलैरिटी की टर्म्स में देखते हैं, मोलैरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स. ठीक है, तो इनके मोलर कॉन्सेंट्रेशन है कुछ ए और बी की, तो हमने क्या किया, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट. ठीक है, रेस टू द पावर ऑफ देयर स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशियंट. तो दीज आर द स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशियंट, इनको रेस कर दो. ठीक है, सो रेट ऑफ द रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्टेंट, मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट रेज टू दी देयर पावर ऑफ देयर स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट. अब ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है, इस टाइम क्या है, रिएक्शन किस पे है, इक्विलिब्रियम पे. तो अगर हमने रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन निकालनी हो, अभी घबराना नहीं है, मैं ही मिलती हूँ, बस कोई हो रह गया तो भी दे. ठीक है, अच्छा अब इस केस में हम ये कह सकते हैं कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ये, क्योंकि फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट ये हो गए, ये कह सकते हैं हम. ठीक है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए रेस टू द पावर ए, बी रेस टू द पावर बी. अगर हम बैकवर्ड की बात करें, तो बैकवर्ड के लिए रिएक्टेंट ये हो गए, ये प्रोडक्ट बन गया, अब ये रिएक्टेंट हो गए, तो ये क्या हो गए, प्रोडक्ट हो गए. तो आप कह सकते हो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन चलो. ठीक है, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन. अब जब इक्विलिब्रियम अटेन हो जाता है, तब हम क्या कहते हैं, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड. अब दोनों को इक्वेट कर सकते हैं, कि रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड, तो दोनों को इक्वेट कर दो. हाँ जी आएगी,
अच्छा इक्वेट करने से पहले, कांस्टेंट ठीक है, इक्वेट करने से पहले एक कांस्टेंट ऐड करो। इस इक्विलिब्रियम साइन को हटाने के लिए ये फॉरवर्ड है तो ये विल बी के एफ, ये बैकवर्ड है तो ये विल बी के बी। ठीक है, तो आप नेक्स्ट में कर लो, मैं यहाँ ही कर रही हूँ। इज इक्वल टू के एफ इज इक्वल टू के बी।